नमस्कार, मैं हूं शिवानी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। शिक्षकों की काउंसलिंग, छठ पूजा बाद प्रमाण पत्र अपलोड करने का समय बढ़ा। 48,000 शिक्षकों के लिए सुधार अवधि 9 नवंबर। बिहार में बिजली व्यवस्था सुधार योजना, 80,000 ट्रांसफॉर्मर लगाने की पहल, बिजली चोरी रोकने के उपाय। BSEB सुपर 50 आवासीय कोचिंग, JEE और नीट के लिए निःशुल्क तैयारी, छात्रवृत्ति की भी व्यवस्था। धनतेरस पर सोने चांदी की रिकॉर्ड बिक्री, ज्वेलरी बिक्री में 30% इजाफा, वाहन खरीदने वालों की दिखी लंबी कतार। स्मृति मंधाना ने मिताली का रिकॉर्ड किया ध्वस्त, मंधाना की शतकीय पारी से जीत, भारत ने न्यूजीलैंड को सीरीज में 6 विकेट से हराया। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की खबरों की ओर विस्तार से। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटर और मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 10 नवंबर 2024 तक बढ़ा दी है। यह निर्णय छात्रों को राहत देने के लिए किया गया है, क्योंकि पहले की तिथि 28 अक्टूबर थी। केवल मान्यता प्राप्त +2 स्कूलों के प्रधानाचार्य ही आवेदन भर सकते हैं। छात्रों को सावधानी से अपनी जानकारी भरनी होगी, क्योंकि गलत जानकारी से फॉर्म रद्द हो सकता है। विलम्ब शुल्क के साथ 10 नवंबर तक फॉर्म भरे जा सकते हैं, जिससे छात्रों को अपनी परीक्षा तैयारी पर ध्यान केंद्रित करने का मौका मिलेगा। देश भर में दिवाली की धूम है। दिवाली भारत का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है, जिसे विभिन्न तरीकों से मनाया जाता है। जैसे उत्तर भारत में इसे भगवान राम के अयोध्या लौटने के दिन के रूप में मनाते हैं, जबकि पंजाब में बंदी छोड़ दिवस मनाया जाता है। वाराणसी में देव दीपावली के रूप में देवी देवताओं की पूजा होती है। गुजरात में इसे गोवर्धन पूजा के साथ मनाते हैं और यह नए साल की शुरुआत का प्रतीक है। दक्षिण भारत में दीपावली के रूप में मनाने के साथ नरक चतुर्दशी का पर्व भी मनाते हैं, जो कि आज। पश्चिम बंगाल में देवी काली की पूजा विशेष महत्व रखती है, जहां रात भर जागरण किया जाता है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने JEE मेन और नीट UG परीक्षाओं की तैयारी के लिए निःशुल्क आवासीय कोचिंग कार्यक्रम BSEB सुपर 50 की घोषणा की है। इच्छुक छात्र 30 अक्टूबर से 15 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसमें आवेदन शुल्क 100 रुपये है। इस कार्यक्रम में आधुनिक शिक्षण, OMR टेस्ट, डाउट क्लास और स्वास्थ्य सेवाएँ शामिल है। इसके अलावा 9 जिलों में गैर आवासीय कोचिंग भी उपलब्ध होगी, जिसमें छात्रों को प्रतिमाह 1,000 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाएगी। चयनित छात्रों को बिहार बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों में निःशुल्क पढ़ाई का अवसर मिलेगा। चयनित छात्रों को अपने सुविधा अनुसार पटना, मुजफ्फरपुर, छपरा, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर और गया जिलों के चयनित स्थलों पर पढ़ाई करनी होगी। पर्यटन और उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने घोषणा की है कि बिहार के सभी जिलों में खादी मॉल खोले जाएंगे। पहले चरण में पटना, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया और गया शामिल हैं। खादी ग्रामोद्योग बोर्ड ग्रामीण हाट का विस्तार कर रहा है, जिससे स्थानीय उत्पादों की बिक्री बढ़ेगी। मंत्री ने जनता से खादी वस्त्र और अन्य ग्रामोद्योगी सामान खरीदने की अपील की है। इस पहल के तहत करीब 5,000 कतीन और 1,000 बुनकरों को बाजार उपलब्ध कराया जाएगा। खादी मॉल का निर्माण PM गति शक्ति योजना के तहत 8,11,00,000 रुपए की लागत से हुआ है, जिसमें 30 काउंटर हैं। बिहार सरकार ने बिजली आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है, जिसमें लगभग 8,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस योजना के तहत 80,000 नए ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे, पुराने तारों को बदला जाएगा और नए पोल स्थापित किए जाएंगे। लगभग 1,50,000 नए STP पोल और 30,00,000 पोल लगाने की योजना है। उच्च क्षमता के 10,000 किलोमीटर केबल तार की बिछाए जाएंगे। यह योजना 2 वर्षों में पूरी होगी, जिससे बिजली की गुणवत्ता में सुधार होगा, बिजली कटौती कम होगी और 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित होगी। पटना हाई कोर्ट ने रालोजपा को आवास खाली करने के मामले में कोई राहत नहीं दी। न्यायाधीश मोहित कुमार शाह की एकल पीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए आवास आवंटन के लिए आवेदन करने की अनुमति दी और 2 सप्ताह के भीतर कार्रवाई का आदेश दिया। रालोजपा को 2005 में कार्यालय के लिए आवास आवंटित किया गया था, जिसका नवीकरण समय पर नहीं किया गया। भवन निर्माण विभाग ने आवंटन रद्द कर दिया है, जबकि महाधिवक्ता ने बताया कि पार्टी को आवेदन करने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने आवास आवंटन रद्द करने के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।
ईडी ने आईएएस संजीव हंस को पीएमएलए की विशेष अदालत में पेश किया, जहां उन्हें न्यायिक हिरासत में पटना की बेउर जेल भेजा गया। ईडी की पूछताछ अब जेल में होगी। संजीव हंस की रिमांड के अंतिम दिन चार अन्य आरोपितों की पूछताछ की गई। हंस के बयानों का क्रॉस वेरिफिकेशन किया गया। ईडी ने काली कमाई को छिपाने और निवेश के तरीकों की जानकारी प्राप्त करने के लिए तीन बिचौलियों शादाब खान, पुष्पराज बजाज और प्रवीण चौधरी से पूछताछ की जा रही है। इनसे पैसे के निवेश का पूरा विवरण लिया जा रहा है। बता दें कि आईएएस अधिकारी संजीव हंस और गुलाब यादव को ईडी ने आय से अधिक संपत्ति मामले में 18 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण 48,000 शिक्षकों की काउंसलिंग छठ पूजा के बाद होगी। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों को नाम, आधार संख्या में सुधार और प्रमाण पत्र अपलोड करने का समय दिया है। पहले चरण में 3,366 शिक्षक अनुपस्थित रहे। उप निदेशक शिवनाथ प्रसाद ने सभी जिलों को निर्देश जारी किया है। जिन शिक्षकों के प्रमाण पत्र संदिग्ध हैं, उन्हें सही दस्तावेज 9 नवम्बर तक अपलोड करने का समय दिया गया है। कुल 23,801 शिक्षकों को यह निर्देश मिला है, जबकि 9,966 शिक्षक मूल प्रमाण पत्र नहीं प्रस्तुत कर सके हैं। पूर्व में अपलोड किए गए प्रमाण पत्र भी वेबसाइट पर रखे जाएंगे। बिहार में इस साल भी दिवाली उत्सव के दौरान धनतेरस पर सोने चांदी की रिकॉर्ड तोड़ खरीदारी हुई है। पटना में सोने और चांदी की बिक्री रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है, जहां अकेले 500 करोड़ रुपए की बिक्री हुई है। पूरे बिहार में आभूषणों की बिक्री 950 से 1000 करोड़ रुपए के बीच रही, जिसमें 25-30% का इजाफा देखा गया। वाहन खरीदने वालों के लिए भी लंबी कतारें लगी थी। हालांकि कई लोगों को तत्काल वाहन उपलब्ध नहीं हो सके। पटना में 2000 बाइक और स्कूटी तथा लगभग 50 से 600 चार पहिया वाहनों की बिक्री हुई। धनतेरस पर खरीदारी का मान्यता है कि इससे घर में लक्ष्मी का वास होता है। शिक्षा विभाग ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि केवल आधार कार्ड धारी विद्यार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। विभाग ने जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर बताया कि राशि का भुगतान अब आधार सीडेड बैंक खातों में अनिवार्य होगा। सभी सरकारी स्कूलों में आधार बनाने के लिए किट उपलब्ध कराया गया है और हर विद्यार्थी का आधार वहीं बनाया जाएगा। इसके साथ ही निजी स्कूलों के लिए ई संबंधन पोर्टल पर निबंधन अनिवार्य किया गया है, ताकि दोहरी नामांकन रोका जा सके। सरकारी स्कूलों के 1.55 करोड़ विद्यार्थियों का नाम आधार संख्या के साथ ई शिक्षा कोष पोर्टल पर दर्ज किया गया है, जबकि 35 लाख नाम शेष हैं। सीबीआई ने रिश्वत कांड में गिरफ्तार बिहार झारखंड के पूर्व प्रधान आयुक्त संतोष कुमार सहित 5 आरोपियों के खिलाफ पटना स्थित विशेष कोर्ट में चार्जशीट दायर की है। संतोष कुमार को 10 लाख रुपए घूस लेते हुए पकड़ा गया था। अन्य आरोपियों में गुरपाल सिंह, राजीव कुमार उर्फ चीकू, अशोक चौरसिया और डॉक्टर प्रणय पूर्वे शामिल हैं। आरोप है कि संतोष कुमार ने पद का दुरुपयोग करते हुए आयकर में राहत देने के बदले घूस ली। सीबीआई ने उनकी गिरफ्तारी के बाद उनके कार्यालय और आवास की तलाशी भी ली थी, जिसके चलते अवैध वसूली का मामला उजागर हुआ। बिहार में 3 शिक्षकों की नौकरी खत्म करने का आदेश दिया गया है। आरोप है कि पूर्व प्रधानाचार्य महेश प्रसाद सिन्हा ने नियमों की अनदेखी करते हुए अपने रिश्तेदारों को नियुक्त किया। शिकायतकर्ता शिक्षक अजय शर्मा ने बताया कि तीनों शिक्षकों अनुपमा कुमारी, ममता कुमारी और रुपेश कुमार की योग्यता नहीं थी। नियुक्ति 2021 में हुई थी, लेकिन बिहार सरकार के नियमों के अनुसार बीएड और शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अपीलीय प्राधिकार ने प्रबंधन समिति को 1 महीने के भीतर शिक्षकों की नियुक्ति रद्द करने का आदेश दिया। तत्कालीन सचिव प्रधानाध्यापक महेश प्रसाद ने इसे गलत आदेश बताया और अपीलीय प्राधिकार की वैधता पर सवाल उठाया। मामला औरंगाबाद जिले के हसपुरा के वित्त रहित विद्यालय देवचंद सिंह उच्च विद्यालय डिंडीर का है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर के सर्वर खराब होने से राजधानी के 5 लाख उपभोक्ता प्रभावित हुए हैं। उपभोक्ताओं को मीटर रिचार्ज करने में समस्या आ रही और बैलेंस नहीं दिख रहा है, जिससे दीपावली पर बिजली कटने का डर सता रहा है। बिजली कंपनी के अधिकारियों ने कहा है कि तकनीकी खराबी को ठीक किया जा रहा है और दीपावली के दौरान कोई कनेक्शन नहीं काटा जाएगा। कहा गया है कि उपभोक्ता सर्वर दुरुस्त होने का इंतजार करें, रिचार्ज करने का मीटर रिचार्ज हो जा रहा है। सर्वर की तकनीकी खराबियां दूर होने के बाद बैलेंस दिखने लगेगा।
बिहार में दिवाली से पहले हवा की गुणवत्ता बिगड़ गई है, जिससे प्रदूषण विभाग ने ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया है। पटना में AQI 212 और पूर्णिया में 204 है, जबकि हाजीपुर में यह 308 के पार हो चुका है, जिसके लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। सांस से संबंधित बीमारियों के लिए यह स्थिति गंभीर है। प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए पटना, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर और गया में पटाखों के जलाने पर रोक लगा दी गई है। ठंड की शुरुआत से पहले यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि दिवाली के बाद AQI का स्तर कितना बढ़ता है। स्मृति मंधाना ने पूर्व कप्तान मिताली राज का रिकॉर्ड तोड़ते हुए भारत को न्यूजीलैंड के खिलाफ 6 विकेट से जीत दिलाई। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत ने 233 रनों का लक्ष्य 44 ओवर 2 गेंद में 4 विकेट खोकर हासिल किया। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 232 रन बनाए, जिसमें ब्रूक हॉलिडे ने 86 रन की पारी खेली। भारत के लिए दीप्ति शर्मा ने 3 विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करते हुए मंधाना ने 8वां वनडे शतक बनाया, जबकि कप्तान हरमनप्रीत और 59 रन पर नाबाद रही। भारत ने 2-1 से अपने नाम की। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम हैं अनवर करीम खान, राम बाबूदास, जितेंद्र ठाकुर, गुनार शर्मा, रविशंकर, छोटू राजा, मोहम्मद शाकिर हुसैन, रवीश कुमार, अर्जुन राम। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि क्या आप पटाखों पर बैन के फैसले का समर्थन करते हैं? अगर हाँ तो क्यों? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। धन्यवाद।